एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एटीएम आईडी। तो एटीएम आईडी को लेकर आपके सवाल जो है लगातार आ रहे हैं और जहां तक संभव हो पा रहा है मैं कमेंट्स के माध्यम से आपको रिप्लाई भी कर रहा हूं। लेकिन अब समय आ चुका है कि इस टॉपिक पर हम एक कंप्लीट वीडियो देख लें। इस टॉपिक पर पूरी जानकारी जरूरी है क्योंकि एटीएम से रिलेटेड वीडियोस हम बनाते रहते हैं। एटीएम का इस्तेमाल कैसे करना है, एटीएम से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो उसका समाधान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे एटीएम आईडी क्या होता है। सबसे पहले तो सबसे जरूरी बात, एटीएम आईडी यानी कि मशीन का आईडी होता है। एटीएम का जो मशीन लगा होता है उसका आईडी होता है एटीएम आईडी। आपके कार्ड में जो नंबर्स लिखे होते हैं वो एटीएम आईडी नहीं है। एटीएम कार्ड का एटीएम आईडी से कुछ रिलेशन नहीं है। एटीएम मशीन का जो आईडी होता है, मशीन का जो आईडी होता है वो एटीएम आईडी होता है। और एक सवाल आप जो बार बार पूछते हैं कि एटीएम आईडी कितने डिजिट्स का होता है। जैसे अलग अलग बैंक से अकाउंट नंबर अलग अलग डिजिट्स के होते हैं, एटीएम आईडी भी अलग अलग बैंक के जो मशीन लगे होते हैं उसमें अलग अलग डिजिट्स के रहते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं लेकिन बताना चाहूंगा कि एटीएम आईडी एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसमें कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं। तो ये क्यों जरूरी होता है? अगर आपका एटीएम से जुड़ा कोई कंप्लेंट है, जैसे कि आप एटीएम से पैसे निकाल रहे थे और पैसे तो नहीं निकले लेकिन आपका अकाउंट से बैलेंस कट गया है, तो ऐसी स्थिति में आप जब कंप्लेंट को रजिस्टर कराएंगे तो एटीएम आईडी अगर आपको पता है तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपका जो कंप्लेंट है वो आसानी से प्रोसेस हो जाएगा और आपको बहुत ही आसानी से अपने पैसे रिफंड मिल जाएंगे। तो एटीएम आईडी मिलेगा कहां पर? देखिए, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं एटीएम आईडी को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर वन है एटीएम स्लिप। अगर आपने एटीएम से ट्रांजेक्शन किया था और वहां से स्लिप निकला था तो उस स्लिप में मेंशन रहता है कि एटीएम आईडी क्या है, नीचे लिखा हुआ रहता है, साथ ही साथ ट्रांजेक्शन आईडी भी लिखा हुआ रहता है। तो इसका आप एक फोटो खींच के रखिए क्योंकि बाद में ये मिट जाता है और जब आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कराएंगे तो एटीएम आईडी को आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है, जब भी एटीएम का फेल ट्रांजेक्शन होता है, एटीएम से पैसे नहीं निकलते, एटीएम टाइम आउट हो जाता है, ट्रांजेक्शन टाइम आउट हो जाता है, कुछ एरर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो ट्रांजेक्शन स्लिप है, एटीएम स्लिप है, वो निकलता ही नहीं है, वहां पे भी एरर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपके बाद नेक्स्ट जो पर्सन आ रहे हैं एटीएम में, उन्होंने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया, उनका अगर स्लिप निकला है, तो उससे भी आप एटीएम आईडी को नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि मशीन का आईडी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर टू हमारे पास है नोटिस बोर्ड। आप जो एटीएम केबिन के आसपास थोड़ा ध्यान देंगे तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड की तरह लगा होता है, उसमें भी एटीएम आईडी मेंशन रहता है, तो वहां से भी आप एटीएम आईडी को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, पता नहीं चल रहा है कि एटीएम आईडी कौन सा है क्या है, तो आप उसका एक पूरा फोटो, एटीएम केबिन जो रहता है उसका पूरा एक फोटो खींच के भी अपने पास रख सकते हैं ताकि बाद में उसको देखा जाए कि कौन सा एटीएम आईडी है, नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं कि एटीएम आईडी इसमें से कौन सा है बताइए, मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है उनको रिप्लाई कर सकूं। ऑप्शन नंबर थ्री हमारे पास है ट्रांजेक्शन SMS। जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं, एटीएम से आपके पैसे कट जाते हैं, अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होता है। उस SMS में आप देखेंगे तो भी एटीएम आईडी मेंशन रहता है। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है कि कुछ बैंक जो है ट्रांजेक्शन SMS में एटीएम आईडी को मेंशन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एटीएम आईडी पता नहीं चल पाएगा। तो अब हमारे पास आखिरी ऑप्शन भी बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर फोर है बैंक ब्रांच। तो हम बैंक ब्रांच से भी एटीएम आईडी को पता कर सकते हैं। अगर हमारा अकाउंट से पैसे कटे हैं, जो भी हमारा अकाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो जिस भी एटीएम में हमने ट्रांजेक्शन किया हुआ है वो एटीएम आईडी वहां पर बैंक ब्रांच से हम पता कर सकते हैं। और अगर हम जिस मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे वो किसी ब्रांच के आसपास ही है, तो उस ब्रांच में जाकर भी ये पूछ सकते हैं कि वो जो एटीएम है आपके साथ में, बैंक के ब्रांच के साथ जो एटीएम लगा हुआ है, उसका एटीएम आईडी हमें चाहिए क्योंकि हमारा वहां पर एरर हो गया है, पैसे नहीं निकले हैं। तो इस तरह से हम एटीएम आईडी को पता कर सकते हैं। एटीएम आईडी से पता चलता है कि वो एटीएम, वो मशीन कहां पर लोकेटेड है, कौन से ब्रांच से वो लिंक्ड है, कौन से बैंक का वो एटीएम है, वो सारा इंफॉर्मेशन एटीएम आईडी में रहता है। तो आपने कई बार कमेंट्स में ये भी पूछा है कि एटीएम आईडी हमारे पास है तो इसे हम कैसे पता करें, ये सारे डिटेल्स कैसे पता करें, लोकेशन, बैंक का नाम, कौन से ब्रांच से लिंक है, ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं। तो ये सब हम पता नहीं कर सकते हैं, ये जानकारी केवल बैंक के पास होती है, ये जानकारी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि हम अगर कोई एटीएम आईडी को गूगल करेंगे तो हमें ये जानकारी हम पता नहीं चलेंगी, लेकिन बैंक के पास ये सुविधा होती है। अगर आपका फिर भी इससे जुड़ा कोई सवाल आपके मन में आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।